हमीरपुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और हमीरपुर सांसद और मौजूदा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू हुई हैं और प्रदेश में कांग्रेस शासन काल में भाजपा द्वारा स्वीकृत योजनाओं को जबरन रोक कर रखा गया, जिन्हें प्रदेश में जयराम सरकार बनने के बाद फिर से शुरू किया गया है। बुलाना पड़ता था हमारी उस समय की सरकार ने, आपको मुफ्त में पूरा इलाज देने का काम किया था, आपका ऑपरेशन भी हो गर्भवती महिला का तो वो भी मुफ्त में था इलाज उपचार, और घर तक छोड़ने का काम भी पूर्व की धूमल जी की सरकार ने किया था। तो आज जयराम जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने लाखों बहनों को, अगर किसी परिवार में से कोई महिला गर्भवती है तो उसका इलाज तो मुफ्त में है ही, उसको 6,000 रुपया देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में देश तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर हुआ है। यह मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें स्थान पर आ गई है। प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर के टाउन हॉल में हमीरपुर भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की बात हो या पाकिस्तान की, दोनों ही नहीं चाहते कि देश में मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बने। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चाहेंगे कि मोदी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री बने? नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे ना, तो कांग्रेस भी नहीं चाहती। जो बात अभी अनुराग जी कह रहे थे कि ग्यारहवें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए, तो पीछे किसको छोड़ा? फ्रांस को, इंग्लैंड को। क्या इंग्लैंड फ्रांस चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ऐसा बन जाए जो पहले दूसरे स्थान पर हिंदुस्तान को ले आए? वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाएं सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में शुरुआत अच्छी हो चुकी है और महिलाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगी। उन्होंने कहा कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, बेटियां बेटों से बहुत आगे निकल गई हैं, परीक्षा परिणामों में भी बेटियां मेरिट लिस्ट में टॉप करती हैं। उन्होंने धूमल सरकार की उपलब्धियों की भी सराहना की। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में काम शुरू होने वाला है, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज आपके बिना काम शुरू हो गया है, ऐसी बहुत सारी बातें तो ये तो चर्चा के स्वरूप हो गए। लेकिन अगर सही मामले में अगर आपके पास समय की कमी हो तो सीधे दो शब्दों में अगर बात कहनी हो कि आप क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है, मुझे अच्छी तरह से याद आता है, कुछ दिन पहले हम आंध्र प्रदेश गए थे। आंध्र प्रदेश के उस कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम में एक यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम रखा था जहां बच्चे जो पहली बार वोट देने वाले बच्चे जिनका वोट 18 साल के बाद पहली बार, उन बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, काफी प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने के बाद आखिरकार मैंने कहा कि जब समापन होने लगा कार्यक्रम का, मैंने कहा एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं, डर करके वोट देना चाहिए। तो अधिकांश बच्चों की ओर से एक बात आई, हमारा पहला वोट है और आज के हालात में जिस दौर में से देश गुजर रहा है, पहला वोट देश के नाम होना चाहिए। हम देश के लिए वोट देंगे, देश के उन सैनिकों के लिए वोट देंगे और देश के उस मजबूत नेतृत्व के लिए वोट देंगे जिनके हाथ में ये देश सुरक्षित महसूस करता है। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताजा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।